करेंगे, हमने चर्चा करी है। मैंने कहा कि जो भी इसमें हमें प्रिकॉशंस, हमें सावधानी बरतनी है, करा जाए, कि ये भी चेक किया जाए कि बाकी प्रदेश क्या कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कई एडवाइजरी भेजे, उन सब पर जांच करके, क्योंकि ये जिस प्रकार से फैल रहा है, पिछले हफ्ते कोई और परिस्थितियाँ थी और उससे पहले कुछ और परिस्थितियाँ थी, जिस प्रकार से ये फैल रहा है, ये चिंता का विषय है। सर, राज्यपाल से भी आपकी मुलाकात हुई है, उसको लेकर जिस तरीके से 22 कांग्रेस के MLA कर्नाटक में है, अभी तक उनका नहीं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सरकार गिर चुकी है और ज़्यादा दिन तक ठहर नहीं पाएगी, तो क्या कुछ ले रही सर जिस तरीके से? मैं राज्यपाल से मिला हूँ, उनको होली की शुभकामनाएं दी हैं, मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया, पत्र भी दिया कि किस प्रकार विधायकों को कैद करके रखा है, किस प्रकार से दिल्ली से बेंगलोर भारतीय जनता पार्टी ने हवाई जहाज चार्टर करे, उसका पैसा दिया, और किस प्रकार से कर्नाटक में रखा है, और कैसे विधायकों का इस्तीफा बीजेपी नेता ला रहे हैं स्पीकर को देने, ये ऐसा मजाक कभी हुआ नहीं। तो ये कैद है, कोई मिल नहीं सकता। कल हमारे एक जो विधायक वहाँ है, उसके पिताजी गए थे, उसको मिलने नहीं दिया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, हमारे दो मंत्री उनके साथ थे, उनको भी पकड़ लिया। तो ये प्रकार की घटना किस बात की? अगर इनके हाथ साफ हों तो स्वतंत्र छोड़ें, जिसको जहाँ जाना है जाए। आपको लगता है कि जिस तरीके से सारा घटनाक्रम चल रहा है, तो सरकार गिराने की कहीं ना कहीं एक साजिश की है? ये तो पूरा भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, और वो दूसरों के कंधों पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। लेकिन सर, सिंधिया का जिस तरीके से जाना हुआ, कांग्रेस छोड़ के जाना हुआ, तो उसको लेकर भी कांग्रेस को भी धक्का लगा, और 22 MLA जिसमें से 19 MLA सिंधिया जितने सिंधिया के अपने पूरे MLA को लेके गए, तो उसको लेकर वो कल एक शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि लंका हमें डालनी है, तो शिवराज जी ने ठीक कहा। तो ये किस लिए गए वो सिंधिया जी खुद बताएंगे, आगे आने वाला समय बताएगा, मुझे इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। आप मानते हैं सरकार मजबूत है? सरकार मजबूत है, कोई चिंता का विषय नहीं है। थैंक यू।